दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा प्ले डीटीएच के बारे में। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि टाटा प्ले डीटीएच एक नई सैटेलाइट पर शिफ्ट हुआ है जिसका नाम है GSAT 24, और हमने इस सैटेलाइट से जुड़ी अपडेट्स आपको पहले भी दी है जिसमें बताया है कि टाटा प्ले डीटीएच पर अब आपको 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हमने आपको कल की वीडियो में ये भी बताया था कि टाटा प्ले डीटीएच पर 10 नए टेस्ट स्लॉट्स ऐड किए गए हैं। लेकिन इससे जुड़ी एक और अपडेट्स अब निकल के आ रही है जो कि टाटा प्ले की ओर से निकल के आ रही है कि टाटा प्ले पर एक नया चैनल ऐड किया गया है। बताएंगे इस नए चैनल के बारे में हम विस्तार से। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और फ्रेंड्स, हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल वाफ्रीडीज 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इस पे आने वाली सभी लेटेस्ट मूवी और लेटेस्ट शो की जानकारी आपको मिलेगी सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की ओर। जैसे कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि टाटा प्ले पर एक नया चैनल ऐड हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता दें कि टाटा प्ले GSAT 24 पर शिफ्ट हुआ है, तो इसी वजह से टाटा प्ले की बैकअप टीम इस पर आए दिन नई नई टीवी चैनल ऐड कर रही है। वैसे ही एक नया टीवी चैनल ऐड हुआ है जो कि आज 11 सितंबर 2023 से आपको देखने के लिए मिलेगा टाटा प्ले डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। और वहीं बात करें चैनल्स की, तो चैनल्स का नाम रहने वाला है प्रथम खबर 24/7। जी हाँ, प्रथम खबर 24/7 एक न्यूज कैटेगरी का चैनल है जो टाटा प्ले की प्लेटफॉर्म पर ऐड कर दिया गया है आज से। और फ्रेंड्स, प्रथम खबर न्यूज चैनल्स की आप पहली झलक देख सकते हैं हमारी इस इमेज के माध्यम से जो कि हमारी वीडियो में आपको देखने के लिए मिल रही होगी। और अब आप आज से टाटा प्ले के प्लेटफॉर्म पर प्रथम खबर चैनल्स को भी देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी टाटा प्ले से जुड़ी। आप सबको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।